तो आज के इस क्लास 10 के सेशन में, जो कि क्लास 10 के लिए है, BSEB के बच्चों के लिए, जो हम लोग पैनोरामा पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, आज जो है इस चैप्टर एक अलग चैप्टर की बात करेंगे। आप लोग टाइटल में देख पा रहे होंगे, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है द स्लीपिंग पोर्टर। द स्लीपिंग पोर्टर इसको लिखा गया है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग जो है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा लिखी गई एक कविता द स्लीपिंग पोर्टर को स्टडी करेंगे। जी गुड मॉर्निंग चंचल। अच्छा लाली हैं आप, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो ध्यान देंगे सभी बच्चों यहाँ। जी गुड मॉर्निंग दीक्षा। चलिए तो हम सभी ध्यान देते हैं। द स्लीपिंग पोर्टर जो कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा लिखी गई है, आपके पास यदि बुक है तो पेज नंबर 129 निकाल सकते हैं। पैनोरमा पार्ट 2 बुक आपके पास होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने पहले भी कहा है आपको कि बुक अपने पास रखें आप, ठीक है। जो एक्चुअली हम टाइम से थोड़े लेट हैं, पर प्रयास करते हैं कि हम अच्छे से पढ़ पाएँ जितना देर हो पाता है। कल थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से अच्छे से क्लास नहीं कर पाए थे, लेकिन आज थोड़ी अच्छे से क्लास करनी है और सब कुछ देखना है कम्प्लीटली एंड डिटेल में, ठीक है। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, कॉपी कलम रखेंगे पास में, जो वर्ड हम नोट कराएँ, जो चीज़ें नोट कराएँ आप ज़रूर नोट करेंगे सारे बच्चों, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं यहाँ और हम लोग शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है जानते हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के बारे में। गुड मॉर्निंग निमी। चलिए तो यहाँ ध्यान देंगे कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म हुआ 1909 में। 12 नवंबर 1909 में इनका जन्म हुआ। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म हुआ 1909 में। 12 नवंबर 2009 क्या हो गया आज किसी की? एक्चुअली होता क्या है, सुबह से हमको लगता है ऑफलाइन क्लासेस से ज़्यादा परेशानी हो जाती है। जी सुहानी गुड मॉर्निंग। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। तो 12 नवंबर 1909 में इनका जन्म हुआ, और जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ काठमांडू में। क्या आप लोग काठमांडू के बारे में जानते हैं कुछ? बताइए तो काठमांडू कहाँ की राजधानी है? बताइए काठमांडू कहाँ की राजधानी है? क्या आप लोग जानते हैं काठमांडू कहाँ की राजधानी है? किस देश की राजधानी है? किसी को पता है काठमांडू कहाँ की राजधानी है? नहीं पता है? नेपाल। जी बहुत बढ़िया चंचल, आपने नेपाल बताया, बहुत बढ़िया। साक्षी को, दीक्षा को पता नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए हम सीखेंगे, प्रयास करेंगे सीखने का, ठीक है। चलिए सारे बच्चों ध्यान देंगे, तो ये काठमांडू है, नेपाल की राजधानी है। तो नेपाल की राजधानी में ही इनका जन्म हुआ। किनका? अच्छा आप लाली हैं, अच्छा थोड़ा समय लगेगा आप, चूँकि नए आईडी से बात कर रहे हैं, कमेंट कर रही हैं इसलिए, ठीक है। और इन्होंने जो है BA की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने BA किया, कहाँ से किया? तो इन्होंने BA की डिग्री ली कब? 1929 में, यानी 20 साल बाद इन्होंने BA की डिग्री ली। कहाँ से ली? तो इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री ली। कहाँ से? पटना यूनिवर्सिटी से। यानी समझ सकते हैं जन्म तो इनका नेपाल में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की थी? इंडिया से ही। और गर्व की बात है कि इन्होंने बिहार से ही पढ़ाई की, बिहार में ही पटना यूनिवर्सिटी, पटना पढ़ती है, वहीं पर इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। अपनी जो बैचलर की जो एजुकेशन होती है, डिग्री की डिग्री जो ली थी इन्होंने, BA की डिग्री, ये 1929 में पटना यूनिवर्सिटी से ली थी, ठीक है ना। तो ही वॉज ए रिनाउंड पोएट एंड स्टोरी राइटर ऑफ हिज टाइम। वे अपने समय के क्या क्या थे? ये एक रिनाउंड पोएट थे। रिनाउंड मतलब क्या होता है? आप लोगों को नहीं पता तो नोट कर सकते हैं, RENOWNED। रिनाउंड मतलब होता है फेमस। दो तीन वर्ड आपको बताते हैं, तीनों का मतलब एक ही जैसा होता है। रिनाउंड हो गया, फेमस कहिए या वेल नोन कहिए, सबका मतलब वही होता है, या फिर पॉपुलर भी कह सकते हैं।
सबका मतलब एक जैसा होता है। रिनॉन्ड मतलब भी प्रसिद्ध होता है, फेमस मतलब भी प्रसिद्ध होता है, वेल नोन मतलब जाना माना, और पॉपुलर मतलब लोकप्रिय। सबका मतलब एक जैसा ही होता है, ठीक है। तो आप इन सब वर्ड्स को एक जगह लिख सकते हैं, सारे वर्ड्स का मतलब एक ही होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा, ये एक रिनॉन्ड पोएट के तौर पर सामने उभर कर आए, और ये पोएट ही नहीं बल्कि एक स्टोरी राइटर के तौर पर भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। एक स्टोरी राइटर, स्टोरी राइटर मतलब कहानी लेखक, कहानीकार कह सकते हैं, जो कहानी लिखते हैं उनको क्या कहा जाता है, कहानीकार कहा जाता है, है ना। इन 1948 में क्या हुआ, ही प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेपाल साहित्य परिषद। इन्होंने एक नेशनल पोएट्री फेस्टिवल में हिस्सा लिया जो कि नेपाल के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। जी शिवांगी, गुड मॉर्निंग। चलिए तो आप ध्यान देंगे सब सारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एक पोएम है द स्लीपिंग पोर्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, लंबी सी पोएम है, इसको आप लोग पढ़ेंगे, सारे बच्चों ध्यान देंगे। और इसको लिखा गया है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा, और इनके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं कि इनका जन्म काठमांडू में 12 नवंबर 1909 में हुआ था। इन्होंने अपनी BA की डिग्री हासिल की थी पटना यूनिवर्सिटी से 1929 में, ठीक है। और ये एक रिनॉन्ड पोएट के तौर पर जाने जाते हैं, और एज वेल एज स्टोरी राइटर के तौर पर, कहानीकार। सर मेरा नेट अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ हम जो पढ़ा रहे हैं वो दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम सुनाई भी दे तो आप लोग ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, ठीक है सारे बच्चों। हाँ चलिए, 5 बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए सारे बच्चों, हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेपाल साहित्य परिषद के द्वारा जो एक पोइट्री फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, पोइट्री फेस्टिवल ऑर्गेनाइज की गई थी जो कि नेपाल साहित्य परिषद के द्वारा पोइट्री फेस्टिवल ऑर्गेनाइज की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी, तो नेपाल साहित्य परिषद के द्वारा एक पोइट्री फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था, और उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। उसके बाद है इमीजिएटली आफ्टर द हिज पोइट्री फेस्टिवल, इस पोइट्री फेस्टिवल के बाद ही एग्जाइल्ड हिमसेल्फ टू वाराणसी। वो कहाँ आ गए, इंडिया में कहाँ आ गए, ये वाराणसी आप लोग जानते होंगे, वाराणसी जो कि अभी बनारस कहलाता था पहले, अब इसका नाम क्या हो गया है, वाराणसी हो गया है। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है वाराणसी नामक जगह, और यहीं ये आ गए थे जल्दी ही इस पोइट्री फेस्टिवल के बाद जो कि 1948 में हुआ, उसके बाद ये कहाँ आ गए, वाराणसी आ गए, इंडिया, टू एडिट युगवाणी द वॉइस ऑफ द एज which was a mouthpiece of the Nepali Congress. In Nepal, his house and properties were confiscated by the government. यानी इनकी जो संपत्ति थी वो जब्त कर ली, क्योंकि ये इंडिया आ गए, इसीलिए इनकी सारी संपत्ति को क्या हुआ, नेपाल सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया, ठीक है। इनकी सारी संपत्ति क्या कर ली गई, जब्त कर गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग कविता को। सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ सुनने और सीखने को मिलेगा। यदि आपके पास बुक है तो आप बुक को भी देखिए, पेज नंबर 129 आप लोग देख सकते हैं, पेज नंबर 129 आपके पास यदि बुक है तो बुक निकाल कर देखिए। देखिए द स्लीपिंग पोर्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, द स्लीपिंग पोर्टर का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं। द स्लीपिंग पोर्टर, पोर्टर मतलब क्या होता है, पोर्टर को हिंदी में कूली कहा जाता है, जो बच्चे नहीं जान रहे नोट कर लेंगे, पोर्टर को हिंदी में क्या कहा जाता है, पोर्टर को हिंदी में हम कहते हैं कूली। और स्लीपिंग मतलब क्या होता है, सोता हुआ, तो स्लीपिंग पोर्टर, सोता हुआ कूली। अब यहां पर क्यों इस कविता का नाम ऐसा पड़ा, जब आप कविता पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी, ठीक है। सारे बच्चों सुनिएगा ध्यान से,
जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हम आपको नोट कराते चलेंगे, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। यहां तक ये था कवि के बारे में। अभी तक हमने लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के बारे में पढ़ा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी उनके बारे में। इनका जन्म 12 नवंबर 1909 में हुआ, ये मैंने बताया। कहां हुआ बच्चों? तो काठमांडू में हुआ इनका जन्म। उसके अलावा 1929 में इन्होंने बीए अपनी फाइनल करी, कहां से? तो पटना यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और ये एक वेल नोन या रिनोन्ड पोएट एंड स्टोरी राइटर के तौर पर जाने गए। और 1948 में इन्होंने पोएट्री फेस्टिवल जो कि नेपाल में हुआ था और ये नेपाल साहित्य परिषद के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें इन्होंने हिस्सा लिया। और उसके कुछ दिनों बाद ही ये वहां से चलकर कहां आ गए? हमारे देश इंडिया आ गए और ये वाराणसी में रहने लगे। और उसके बाद नेपाली सरकार ने इनकी जो है संपत्ति सारी जब्त कर ली थी, क्योंकि वो वहां रहने नहीं लगे, तो इसीलिए इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। सारे बच्चों चलो चलो अब कविता को शुरू करते हैं, सुनिएगा। ए 25 किलो लोड ऑन हिज बैक। लोड मतलब क्या होता है? वजन। एक 25 किलो का वजन ऑन हिज बैक, बैक मतलब होता है कमर या पीठ। अपनी पीठ पर 25 किलो का वजन लेकर स्पाइन डबल बेंट, स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी। तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी, अब जैसे मान लीजिए वजन लेंगे आप, तो क्या होता है? आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, झुक जाती है। और वैसे आप लोग देखिएगा जो बहुत ज्यादा झुक कर जो काम करते हैं उनकी कमर हल्की टेढ़ी हो जाती है, खास करके बूढ़े होने पर। तो इस स्लीपिंग पोर्टर इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वो काफी उसकी कमर झुकी हुई थी, रीढ़ की हड्डी काफी टेढ़ी थी, वो झुक कर ही चलता था। तो क्या है पहला लाइन कि ए 25 किलो लोड ऑन हिज बैक स्पाइन डबल बेंट। एग्जाम में पूछा जाएगा हाउ मच वाज द लोड ऑन हिज ऑन द पोर्टर्स बैक, पोर्टर के पीठ पर कितना वजन था। तो याद रखिएगा 25 किलो, 25 किलो का वजन, पोर्टर के पीठ पर कितना वजन था? 25 किलो का वजन, एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। स्पाइन डबल बेंट, उनकी रीढ़ की हड्डी क्या थी? काफी झुकी हुई थी। अब देखिए ए 6 माइल क्लाइंब अप इन द स्नोज ऑफ विंटर, 6 मील की दूरी को चढ़ना, वो भी देखिए दूरी चल नहीं रहा है, पहाड़ पर 6 मील चढ़ना, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जानते हैं 1 माइल में कितना होता है? 1 माइल इज इक्वल टू 1.7 किलोमीटर, यानी लगभग 2 किलोमीटर होता है। और 6 मील की दूरी तय करना, वो भी दूरी नहीं है, वो पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ी रास्ते पर 6 मील यानी लगभग 10 किलोमीटर, कितना मुश्किल होता होगा ना 10 किलोमीटर लगभग चढ़ना पहाड़ पर 25 किलो वजन लेकर। तो समझ सकते हैं स्टोरी में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भी स्नोज ऑफ विंटर, मतलब बर्फीले समय में, ठंड में बर्फीले पहाड़ पर चढ़ना, 6 मील की दूरी तय करना, 6 मील तक चढ़ना पर्वत पर 25 किलो पीठ पर वजन लेकर, समझ सकते कितना मुश्किल होता होगा। नेकेड बोन्स यानी शरीर पर कपड़े नहीं है ना, स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम। स्केलेटन मतलब क्या होता है? कंकाल, एक यहां पर वर्ड आया है आप नोट कर सकते हैं, skeleton, स्केलेटन मतलब होता है कंकाल। आप लोग देखते होंगे ना, बिना मांस का जब हमारी हड्डी का एक फ्रेम जो होता है उसी को कंकाल कहा जाता है। तो वो एक ऐसा लगता था मानो कि स्केलेटन हो, शरीर में मांस हो ही नहीं, बहुत ही दुबला पतला था वो, ठीक है ना। तो नेकेड बोन्स स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम येट फेसिंग एन अपहिल टास्क, फिर भी उसके बावजूद, इतनी कमजोरी के बावजूद वो क्या कर रहा है? अपहिल यानी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है। वो कितनी दूरी तय कर रहा है? लगभग 6 मील की, जो कि 10 किलोमीटर की दूरी होती है, समझ सकते हैं। तो यानी ये पोर्टर जो है, कूली, कितना मेहनत करता है अपने जीवन को चलाने के लिए। आगे बात करें, ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, माउंटेन को कौन चैलेंज कर रहा है? तो आंसर क्या होगा? द पोर्टर इज चैलेंजिंग द माउंटेन। कौन चैलेंज कर रहा है? चैलेंज मतलब क्या होता है? चुनौती देना, ठीक है। यहां पर एक वर्ड आप लिख सकते हो, स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, कितने बच्चे चैलेंज की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, CHALLENGE। चैलेंज मतलब क्या होता है? चुनौती देना। तो कौन चुनौती दे रहा था माउंटेन को? तो यही पोर्टर जो था, इतनी कमजोरी के बावजूद, अपनी शारीरिक स्थिति खराब होने के बावजूद ये माउंटेन को ऐसा लग रहा था मानो चैलेंज दे रहा हो कि लो मैं आज तुम्हारी चढ़ाई कर लूंगा, है ना, तुम कितनी भी ठंड क्यों नहीं कर लो, तुम जो भी हो जाए, सिचुएशन जैसा भी हो, हम तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करेंगे, यानी हम तुम पर चढ़ेंगे, इस पूरा करेंगे अपनी यात्रा को। ये पहला पैराग्राफ था स्टांजा। He is wearing a black cap. वो अपने सिर पर एक टोपी पहना हुआ है। आप लोग देखते होंगे कूली सब का एक ड्रेस होता है, स्टेशन सब पर कभी कूली सबको देखिएगा, वो एक ड्रेस भी पहनता है ना।
तो वही कह रहा है, ही इज वियरिंग ए ब्लैक कैप, वो काली कलर की एक टोपी पहना हुआ है। तो ये सब चीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द कलर ऑफ पोर्टर्स कैप, पोर्टर के कैप यानी उसके टोपी की कलर क्या थी। तो ब्लैक कैप पहना हुआ था, ये एक कैप मतलब क्या होता है, टोपी। तो वो एक ब्लैक कैप, काली कलर की एक टोपी पहना हुआ था। डर्टी स्वेट स्टैंड, और वो टोपी कैसा था, गंदा हो गया था, स्वेट स्टैंड, उस पर पसीने के धब्बे थे। आप लोग देखते होंगे पसीना के कारण कपड़ा उजला हो जाता है ना, तो उसके पसीने के दाग लगे हुए थे। किसमें, स्वेट मतलब क्या होता है, SWEAT, स्वेट मतलब क्या होता है, पसीना, स्वेट पढ़ते हैं इसको, स्वीट नहीं पढ़ते हैं। और चैलेंज मतलब क्या बताए, चैलेंज मतलब चुनौती देना, ठीक है, एक वर्ब भी है एक नाउन भी है, यानी स्वेट मतलब पसीना। तो वो उसके स्टेन मतलब धब्बा होता है, STAIN, स्टेन मतलब धब्बा, यानी वो जो काली कलर की टोपी पहना हुआ था तो उसके टोपी पर क्या था, धब्बा लगा हुआ था पसीना का। His body is an abode of fleas and lice. His mind very dull. उसका शरीर जैसे मान लो लग रहा हो चूहे जैसा शरीर। चूहा का शरीर क्यों कहा, चूहा का आँख बड़ा बड़ा होता है, शरीर छोटा होता है, मतलब वो दिखने में इतना वीक लग रहा था, कमजोर लग रहा था कि कहने की बात नहीं, बहुत ही कमजोर। लाइस मतलब जू होता है, LIC, वैसे ये प्लुरल है, लाउस एक वर्ड होता है, लाउस मतलब जू होता है, जू, जू समझते हैं ना, जो हम लोग कहते हैं ढील वगैरह जो माथा में आपके बाल में मिलता है, तो लाउस मतलब जू होता है। लाउस का ही प्लुरल क्या होता है, लाइस होता है, जिस तरह माउस का प्लुरल माइस होता है ना, उसी तरह लाउस का प्लुरल क्या होता है, लाइस होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि फ्लीज एंड लाइस, ऐसा मान लो जैसे कि मान लो बहुत ही दुबला पतला जैसा बोलम दिखने में बहुत ही पतला, हिज माइंड वॉज वेरी डल, हिज माइंड वेरी डल, और मन से बहुत ही डल, सुस्त मतलब मंद बुद्धि ऐसा दिखने में लग रहा था। आगे बढ़े तो ऑल्दो इट इमिट्स ए सल्फर लाइक सावर स्मेल, और उसका शरीर खट्टा स्मेल कर रहा था। आप लोग कभी पसीना से यदि पूरा भींग गए होंगे तो कभी स्मेल करके ट्राई कीजिएगा, पसीने की बदबू खट्टी होती है, ठीक है, सल्फर जैसी महक होती है उसकी, गंदी महक होती है। सल्फर को हिंदी में गंधक कहा जाता है, नहीं गंधक जैसी महक थी। बट वॉट ए स्टाउट ह्यूमन फिगर, स्टाउट मतलब तगड़ा, देखिए दिखने में भले ही दुबला था वो, लेकिन उसका जो ओवरऑल कहा जाए, उसकी जो कॉरेज है, उसकी जो हिम्मत देखकर कहा जा सकता है वो कितना साहसी आदमी है, ब्रेव आदमी है। स्टाउट मतलब तगड़ा होता है, हिस्ट पुस्ट, ठीक है, स्टाउट। तो व्हाट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर, क्या मतलब एकदम मस्त इंसान, मस्त मौला इंसान है, मतलब भले ही शरीर से कमजोर हो लेकिन हिम्मत नहीं टूटी है उसकी, मतलब उसने अपने काम को अपने कार्य को अंजाम देना नहीं छोड़ा है। दूसरा स्टांजा कंप्लीट होता है, लाइक ए बर्ड, एक चिड़िया की तरह, लाइक ए बर्ड हिज हर्ट इज ट्विटरिंग, इसका दिल चहचहा रहा है। अब देखिए भले ही वो 25 किलो वजन लेकर पहाड़ी पर चढ़ते हुए हाफ रहा हो, पैंट मतलब हाफ ना होता है, PANT, पैंट मतलब हाफ ना, PANT, पैंट मतलब हाफ ना, हाफते हैं ना, आपको दे दिया जाए 10 किलो वजन छत पर 10 बार ऊपर नीचे करने तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अब ये बेचारा उस उम्र में उतनी शारीरिक कमजोरी से जूझने के बावजूद वो जो है 25 किलो वजन लेकर पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहा है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है ये, तो सोच सकते हैं ये हाफ तो रहा ही होगा, लेकिन दिल ने हार नहीं मानी है, भले ही शरीर से वो थक गया हो, पसीने से बदबू आ रही हो, पूरा पसीना से भींग गया हो, इसके बावजूद उसका दिल एकदम चहचहा रहा है, खुश है, दिल मग्न है कि नहीं अरे क्या, मतलब समझ सकते हैं क्या जुनून है उसके अंदर, है ना। His heart is twittering, ट्विटर मतलब चहचहाना होता है, चिड़ियों की चहचहाट को ट्विटरिंग कहा जाता है। पैंटिंग हाँफता हुआ, चहचहाता हुआ, लेकिन साथ ही साथ हाँफता हुआ भी। He is sweating and out of breath, मतलब उसकी सांस फूल रही है, मतलब इतना परेशान हो रहा है वो, उसकी सांसें फूल रही है, स्वेटिंग, पसीने आ रहे हैं शरीर से, लेकिन वो हार नहीं मान रहा है, ही इज नॉट गिविंग अप, वो हार नहीं मान रहा है। आगे क्या है, ए हट ऑन द क्लिफ, उसकी एक झोपड़ी है, हट मतलब क्या होता है, झोपड़ा या झोपड़ी, छोटा सा घर जो होता है उसको हट कहा जाता है, HUT, हट, आप लोग सुने होंगे, हट मतलब झोपड़ी। हाँ वैसे लड़कियों लोग कभी आप ऊपर में झोपड़ी होता है ना, एक ठो जो नहीं वो झोपड़ी नहीं है, ठीक है ना, वो खोपड़ी है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हट मतलब झोपड़ी, तो उसका एक झोपड़ी है, ए हट ऑन द क्लिफ, क्लिफ मतलब क्या होता है, CLIFF,
क्लिफ मतलब क्या होता है, पर्वत या चट्टान। माउंटेन मतलब क्लिफ, दोनों का मतलब सेम ही होता है। माउंटेन कहिए या क्लिफ कहिए, दोनों का मतलब क्या होता है, पर्वत या चट्टान। तो उसका एक पर्वत पर जो है जहां वो चढ़ रहा है वहां पर उसकी एक झोपड़ी भी है, ठीक है। His son shivering with cold, उसका बेटा जो है ठंड से ठिठुर रहा है। कभी देखे ना ठंडी में नहाइएगा, एकदम कपकपाती ठंड एकदम लगती है, एकदम नहा के जो मजा आता है मत पूछिए, नहीं। उसके बाद कहीं आग उग मिल जाए तो एकदम, तब तो स्वर्गीय है, जन्नत ही है, है ना। चलिए, तो His son shivering with cold, उसका बेटा जो है कांप रहा है ठंड से, मतलब उसकी जो झोपड़ी है वहां पर उसका बेटा भी है, कांप रहा है ठंड से। वोज ऑफ हंगर, भूख से चिल्ला रहा है, भूख से रो रहा है। मतलब सोचो कितनी पिटीफुल कंडीशन है, कितनी प्लाइट उसकी दुर्दशा को दर्शाया गया है, किस तरह से एक पोर्टर का जीवन जो होता है स्ट्रगलिंग होता है, संघर्ष से भरा हुआ होता है। वैसे देखिए जीवन का नाम ही संघर्ष है, है ना। जीवन में चलते रहना चाहिए। कितना बढ़िया कविता सुना है आप लोगों ने, यह जीवन क्या है, यह जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख हमको भूल गए, बहुत बचपन में ही पढ़े थे ये सब, तो ये समझ सकते हैं। तो इस यहाँ पर यह दिखाया गया है कि कितनी तकलीफ के बावजूद, कितनी परेशानी के बावजूद वह अपने जीवन को, अपने संघर्ष को जारी रखता है। सोच सकते हैं इससे भी बड़ी परेशानी किसी को हो सकती है, एक उम्रदराज व्यक्ति इतनी चढ़ाई लंबी कर कर, और जो है अब उसके बेटे की स्थिति देखिए, तन पर बदन पर कपड़ा नहीं है, है भी लेकिन ठंड, उस ठंड में भी इतना मेहनत कर रहा है, उसके पसीने आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेटा, बेटा कपकपाती ठंड में कांप रहा है, शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांप रहा है, भूख से रो रहा है। वोज ऑफ हंगर, हंगर मतलब क्या होता है, भूख, HUNGER, हंगर मतलब भूख, इसी से वर्ड बना है हंग्री। हंग्री मतलब क्या होता है, भूखा। द मदर सर्चिंग फॉर नेटल एंड वाइन्स, उसकी माँ जो है, उसकी माँ उस जो उसकी यानी पत्नी कह सकते हैं पोर्टर की, वो ढूंढ रही है आसपास घास फूस ढूंढ रही है, घास फूस। बिनेथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन, उसको एक पर्वत का हीरो कहा गया, नायक कहा गया, है ना। बिनेथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन, इस इन हीरो के, नायक के भीतर अंदर, द प्राउड कनकरर ऑफ नेचर, यानी कि वो एक प्रकृति का विजेता अपने आप को मानता है। कनकरर एक वर्ड आया है, देखिए CONQUER, कनकर मतलब होता है जीतना, कनकर मतलब जीतना, और इसी से वर्ड बना है कनकरर, CONQUER, है ना। कनकरर मतलब हो गया जीतने वाला, यानी जीतने वाले को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, विजेता कहा जाता है ना, विजेता। तो कनकरर ऑफ नेचर, वो एक प्रकृति का विजेता, प्रकृति को मतलब कह सकते हैं मात दे रहा है, वो प्रकृति को चुनौती दे रहा है। पहाड़ को चुनौती देना मतलब क्या, प्रकृति को चुनौती देना, क्योंकि पहाड़ भी प्रकृति का एक हिस्सा है। मतलब उतनी कपकपाती ठंड में वो पसीने ला रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, मतलब वो प्रकृति को चुनौती दे रहा है, प्रकृति का विजेता उसको कहा गया है कवि के द्वारा। आर द स्नो क्लैड पीक्स एबव, मतलब उस चोटी पर, उस पर्वत की चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर वो चढ़ जाता है। Only the star studded lid of night in this night. अब रात जब होती है तो बस वहाँ पर कुछ नहीं, कोई रोशनी नहीं है, कोई वहाँ क्या इलेक्ट्रिसिटी जाएगी पहाड़ पर, बिजली जाएगी, नहीं ना। वो उस चांद की रोशनी, उस तारे की रोशनी, यानी नेचुरल लाइट से ही वो अपना जीवन यापन कर रहा है। The porter is in deep slumber. अब दिन भर काम करता है तो वो थक गया है, वो नींद में है, गहरी नींद में है। Slumber. SLUMBER, slumber, slumber मतलब नींद, या छोटी सी जो नींद होती है ना, मतलब उसको जैसे ही घर गया है ना, वो बैठा कि उसे नींद आने लगी है। Reigning over the rich knowledge of sleep, मतलब rich kingdom of sleep, reigning over the rich kingdom of sleep, यानी नींद पर भी विजय पा रहा है वो। मतलब इतना काम करने के बावजूद पूरी तरह से सोया नहीं है वो, बस जम्हाइयाँ ले रहा है, ऊँग रहा है, ठीक है ना, यानी वो सो नहीं रहा है फिर भी स्ट्रगल करने को तैयार है। तो ये है आपकी कविता, आई होप आपने सीखा कुछ, समझा, है ना। उम्मीद करते हैं कि अभी कविता पूरी हुई है, लेकिन इससे जो कुछ वर्ड्स हमने बताए एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे। कविता में क्या है, कविता में एक कुली के बारे में बात किया है कवि के द्वारा, यानी जो इसके कवि हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, उन्होंने एक कूली, एक पोर्टर के बारे में बात किया है। वह पोर्टर जो
दिखने में पूरा एकदम कमजोर है, पूरा कह सकते हैं उसके शरीर से हड्डियां दिख रही हैं, चूहे जैसा बताया गया है उसको, समझ सकते हैं, एक जू जैसा बताया गया है, तो कितना वीक होगा वो समझ सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और 25 किलो का वजन लेकर वह माउंटेन को चैलेंज कर रहा है, पर्वत को चुनौती दे रहा है, इस कपकपाती ठंड में वो उतना वजन लेकर, उतनी शारीरिक कमजोरी के बावजूद वो 6 मील की दूरी को वो चढ़ रहा है, चढ़ाई कर रहा है, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी। तो हो सकता है आपको दूरी भी पूछ दिया जाए, हाउ मच वॉज द डिस्टेंस, उसकी दूरी कितनी थी, तो 6 मील याद रखिएगा, 6 मील। तो आंसर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि हु इज रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, कौन शासन कर रहा है नींद के साम्राज्य पर, तो यही होगा द पोर्टर आंसर होगा इसका। तो आप समझ सकते हैं इस कविता में क्या क्या आपको सीखने को मिला, कि हमें कभी भी जिंदगी से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि भगवान ईश्वर ने आपको वही काम दिया है जो आपसे हो सकता है, इसीलिए किसी भी काम से हार ना माने। क्या आपको कभी लगता है, आपने कभी सोचा, आपको लगता होगा अरे पढ़ना सबसे खराब काम है, बोरिंग काम है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस बच्चों का जीवन कैसा होता होगा जो पढ़ाई लिखाई की उम्र में सड़क पर कूड़े कचड़े बीनता है, प्लास्टिक की बोतलें जमा करता है, उसका जीवन कभी उसके जीवन से अपने जीवन की तुलना की है, उसकी अपेक्षा आप कितना कष्ट तकलीफ भोग रहे होंगे, और वो भी वो दिन भर प्लास्टिक वो चुनकर जो है कितने पैसे कमा लेता होगा और उससे क्या क्या कर पाता होगा, वो समझ सकते हैं, उतने कम उम्र में जिम्मेदारी का एहसास हो जाना, पैसे कमाना, अर्न करना पड़ना कितना मुश्किल होता होगा। इसीलिए जैसा भी जीवन मिला है भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड, भगवान को हमेशा शुक्रिया अदा करें, हर सुबह जब जगह एक बार अपनी हथेली को देखकर गॉड को थैंक यू जरूर बोलें, क्योंकि उसने ही आपको इस नई सुबह का जो है एक नई सुबह से आपकी मुलाकात करवाई है, क्योंकि उसके इच्छा के बिना, विदाउट द मर्सी ऑफ गॉड यू कैनॉट इवन वॉक ए स्टेप, आप एक कदम भी नहीं चल सकते, यानी क्योंकि आप खुद एक उसके अंश होते हैं, यू आर ए पार्ट ऑफ गॉड, आप भी एक ईश्वर के एक अंश हैं, उसके एक हिस्सा होते हैं, और उसके ही कारण आप में जो भी है, यानी कह सकते हैं कि ये जो सॉल होता है, इसके अंदर शरीर के अंदर जो आत्मा होती है वही सब कुछ है, वो गॉड का वही पार्ट होता है। तो इसीलिए ऑलवेज डू गुड थिंग्स, हमेशा जीवन में अच्छे कार्य करिए। और इससे कुछ क्वेश्चंस को हम लेना चाहेंगे, यदि कुछ क्वेश्चंस हैं तो, जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन है, पेज नंबर आप 129 में देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच लोड डज द पोर्टर हैव ऑन हिज बैक, पोर्टर के बैक पर कितना वजन है, हाउ मच मतलब क्या होता है, कितना, पोर्टर के बैक पर यानी पोर्टर की पीठ पर कितना वजन है, हाउ मच लोड डज द पोर्टर हैव ऑन हिज बैक, बताइए आंसर, 25, बिल्कुल बिल्कुल जी जी दीक्षा, चलिए बहुत बढ़िया दीक्षा सिन्हा, आपने जवाब दिया 25 किलो लोड है उसके पीठ पर, तो आंसर बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे आंसर का, द पोर्टर हैव ए 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, जी जी शिवांगी बहुत बढ़िया, लाली आपने भी जवाब दिया बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिस्टेंस डज द पोर्टर कवर इन स्नोज ऑफ विंटर, मैंने कहा ना कि एग्जाम में पूछा जा सकता है ये भी क्वेश्चन, कि व्हाट डिस्टेंस कितनी दूरी, क्या है वो दूरी, डज द पोर्टर कवर इन द स्नोज ऑफ विंटर, इस बर्फीली ठंड में, या कह सकते हैं इस ठंड में वो बर्फीली रास्ते पर कितनी दूरी तय करता है, व्हाट डिस्टेंस डज ही कवर, कितनी दूरी तय करता है बताइए, 6 माइल, बिल्कुल सही, चलिए एस लगा लेंगे माइल में, माइल में एस लगा लेंगे, सी 6 माइल्स बोलेंगे, ठीक है 6 माइल्स जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लाली, चलिए आपका जवाब सही है दीक्षा, चलिए बढ़िया, शिवांगी बता रही हैं, संतोष भी बता रहे हैं, सॉरी संतोष आपका नाम नहीं है ना, आपका नाम क्या है, हम आपका नाम गलत लेते हैं, अच्छा सुहानी है आप, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए सुहानी ने भी जवाब दिया है, ठीक है तो वो कितना, 6 माइल्स बोलेंगे, आंसर कैसे बनाएंगे इसका, द पोर्टर कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 6 माइल्स इन द स्नोज ऑफ विंटर, यानी इस ठंड में भी बर्फीली रास्ते पर कितना दूरी वो तय करता है, 6 मील की दूरी तय करता है। चलिए सारे बच्चों, चलिए हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, मैंने कहा ना एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, याद रखिएगा हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, पर्वत को कौन चुनौती दे रहा है, हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, बताइए आंसर, हु के जगह आंसर क्या होगा, हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, आंसर क्या होगा, हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, सिर्फ पोर्टर नहीं बोलेंगे बाबू, द पोर्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे दीक्षा, द पोर्टर जी,
लाली द पोर्टर, द लगाएंगे, द पोर्टर, शिवांगी द लगाएंगे, जी बिल्कुल सही जी, सुहानी ने द पोर्टर लिखा है, बढ़िया, द लगाना है, ठीक है। तो वह पोर्टर जो है द यहां इसीलिए लगाए कि किसी 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 खास कुली की बात हो रही है, सारे कुली का जीवन ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन इस पार्टिकुलर पोर्टर की बात करें तो इसका जीवन ऐसा है, इसीलिए हम द लगाएंगे जी। बहुत बढ़िया दीक्षा, चलिए द पोर्टर, तो आंसर क्या हो जाएगा, द पोर्टर इज चैलेंजिंग द माउंटेन। आप लोग सब भी आंसर हमको बनाकर भेजिएगा मेरे व्हाट्सएप पर, ठीक है। द पोर्टर इज चैलेंजिंग द माउंटेन, कौन चुनौती दे रहा है, पोर्टर कूली चुनौती दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कैप इज ही वियरिंग, व्हाट टाइप ऑफ कैप ही इज वियरिंग, किस तरह का वो कैप पहना हुआ है, टोपी किस तरह का पहना हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ कैप ही इज वियरिंग, व्हाट टाइप ऑफ कैप ही इज वियरिंग, किस तरह की टोपी वो पहन रखा है, व्हाट टाइप ऑफ कैप। देखिए कलर तो ब्लैक है ही, साथ ही आप कुछ और भी बता सकते हैं, आंसर कुछ ऐसे दे सकते हैं इसका कि ही इज वियरिंग, ही इज वियरिंग ए, ही इज वियरिंग ए ब्लैक कैप व्हिच इज, व्हिच इज या व्हिच हैज कह सकते हैं, व्हिच हैज स्टेन्स ऑफ स्वेट, इतना आंसर दे सकते हैं। ही इज वियरिंग ए ब्लैक कैप, वह एक काली कलर की टोपी पहन रखा है, व्हिच हैज स्टेन्स ऑफ स्वेट, जिसमें कि पसीने के धब्बे हैं। आप 25 किलो पुष्पा, इतना लेट, हाँ, डर्टी एंड स्वेट स्टेन, जी बिल्कुल सही, डर्टी भी बोल सकते हैं, है ना, इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, इट इज डर्टी, ठीक है। कलर भी बता सकते हैं, ही इज वियरिंग ए ब्लैक कैप विच हैज स्टेन्स ऑफ स्वेट, इट इज डर्टी, वो गंदा है। यानी छोटा छोटा आंसर देना सीखिए, जब तक जवाब देना नहीं सीखेंगे तो फिर कैसे बनेगा हमसे, है ना, ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। What type of smell does the porter emit? Porter के शरीर से किस तरह की स्मेल आ रही है? What type of smell does the porter emit? Emit मतलब होता है बाहर निकलना, उत्सर्जित होना। What type of smell does the porter emit? Which type of smell does the porter emit? Porter किस तरह के, porter के शरीर से या porter से किस तरह की स्मेल आ रही है? किस तरह की स्मेल आ रही है porter के शरीर से? Sulfur, sour. तो आंसर इसका ऐसे दीजिएगा, सल्फर लाइक सावर स्मेल, ऐसे बोलेंगे आंसर देंगे, द पोर्टर इमिट्स, आंसर ऐसे लिखेंगे द पोर्टर इमिट्स ए सल्फर लाइक सावर स्मेल। यहां को पोएम में भी दिया हुआ ये लाइन है ना, तो आंसर हो जाएगा द पोर्टर इमिट्स ए सल्फर लाइक सावर स्मेल, सल्फर जैसा खट्टा स्मेल जो है उसके शरीर से आ रहा है, सल्फर लाइक सावर स्मेल जी। बहुत बढ़िया जी लाली, बहुत बढ़िया दीक्षा, आपका भी सही है, सल्फर लाइक, लेकिन सावर ऐड करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, सल्फर लाइक स्मेल भी बोल सकते हैं, लेकिन सल्फर लाइक सावर स्मेल बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। स्मेल का मतलब पता है ना, आपको स्मेल का मतलब दुर्गंध होता है, क्या होता है, स्मेल का मतलब दुर्गंध होता है, ठीक है। हो गया ये सारा क्वेश्चन, और भी आगे है कुछ कि व्हाट इज देयर ऑन द क्लिफ, पर्वत पर क्या है, व्हाट इज देयर ऑन द क्लिफ, चट्टान पर क्या है, व्हाट इज देयर ऑन द क्लिफ, बताइए आंसर, ए हट, अच्छा आंसर बिल्कुल सही, देयर इज, ऐसे बोलेंगे देयर इज ए हट ऑन द क्लिफ, क्या बोलेंगे, देयर इज ए हट ऑन द क्लिफ, बिल्कुल सही। शिवांगी का आंसर एकदम सबसे बढ़िया है, बहुत बढ़िया लिखी है शिवांगी आपने, चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे ऐसे ही कोशिश करें, सिर्फ पूरा आंसर देने का प्रयास करें, इन द क्लिफ नहीं होगी दीक्षा, इन द क्लिफ नहीं होगा आंसर, इन द क्लिफ नहीं होगा, पूरा बोलेंगे, जैसे कि यहां पर हमारे शिवांगी ने कहा है देर इज ए हट ऑन द क्लिफ, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्हाट इज देयर, क्या है, आंसर हो गया देर इज ए हट ऑन द क्लिफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मदर सर्चिंग, मां क्या ढूंढ रही है, व्हाट इज द मदर सर्चिंग, मां क्या ढूंढ रही है, व्हाट इज द मदर सर्चिंग, देखिए आंसर दिया हुआ है, पोएम में भी है ये लाइन, पेज नंबर 130 में, द मदर क्या लिखा हुआ है, देखिए द मदर
इज सर्चिंग फॉर द मदर इज सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स. नेटल्स एंड वाइन्स, देखिए वाइन्स मतलब, वाइन मतलब लता भी होता है, लता V-I-N-E है, W-I-N-E मतलब शराब होता है, लेकिन V-I-N-E मतलब सूखी सूखी रूखी जो लता होती है ना, शायद जलावन वगैरह के लिए वो जमा कर रही है, नेटल्स एंड वाइन्स वो जमा कर रही है. द मदर इज लगाइए, द मदर इज लगाइए, इज, हाँ शिवांगी ने इज लगाया है, बहुत बढ़िया. द मदर इज सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स. जी दीक्षा इज लगाइए, आप भी इज लगाइए, हेल्पिंग वर्ब जरूरी है, कविता में नहीं है कोई बात नहीं, आपको लगाना है. द मदर इज सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स. चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज द हीरो ऑफ द माउंटेन, हु इज द हीरो ऑफ द माउंटेन, हु इज द हीरो ऑफ द माउंटेन, उस पर्वत का नायक कौन है, हु इज द हीरो ऑफ द माउंटेन, उस पर्वत का नायक कौन है, हु इज द हीरो ऑफ द माउंटेन. द हीरो ऑफ द माउंटेन इज द पोर्टर, फिर से द लगाइए. हाँ बिल्कुल सही, दीक्षा का सही है, लेकिन आप द लगाइए, द पोर्टर, ठीक है ना, क्या लगाएंगे, द. जी शिवांगी ने बिल्कुल सही बनाया है, द पोर्टर इज द हीरो ऑफ द माउंटेन. जी बिल्कुल सही, ऐसे भी बोल सकते हैं, या दीरो ऑफ द माउंट, द हीरो ऑफ द माउंटेन इज द पोर्टर, या फिर द पोर्टर इज द हीरो ऑफ द माउंटेन, यानी पर्वत का नायक कौन है, तो वह कूली है, द पोर्टर है. ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय लिड ऑफ नाइट, व्हाट इज मेंट बाय लिड ऑफ नाइट, लिड ऑफ नाइट का मतलब क्या है, ठीक है, लिड ऑफ नाइट का मतलब क्या है, लिड ऑफ नाइट का मतलब क्या है, कहां पर है लिड ऑफ नाइट, देखिए तो है ना, ओनली द स्टार स्टडेड लिड ऑफ नाइट. देखिए लिड मतलब होता क्या है, लिड मतलब ढक्कन होता है, कैप भी होता है ना, जैसे बोलते हैं आप लोग कलम, ये जो कैप जो है इसकी, इसको लिड कहा जा सकता है. लिड ऑफ नाइट मीन्स द स्टार स्टडेड स्काई, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, ये नहीं होगा. यहां पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको जवाब देने का प्रयास करेंगे, ऐसे बोलेंगे इसका आंसर कि द लिड ऑफ, द लिड ऑफ नाइट, द लिड ऑफ नाइट इज, द लिड ऑफ नाइट इज मींट बाय द, मींट बाय द इवनिंग टाइम, मींट बाय द इवनिंग टाइम, यानी क्या, वो रात्रि से पहले का समय, जब तारे आप लोग देखते होंगे ना आसमान में सोने से पहले, शाम अंधेरा होने के बाद, तो यहां पर इवनिंग टाइम है, इसका मतलब क्या है, इवनिंग टाइम, शाम का समय, यानी तारे आपको जब नजर आते हैं, द लीड ऑफ नाइट इज मेंट बाय द इवनिंग टाइम, इवनिंग टाइम, ठीक है याद रहेगा, तो द लीड ऑफ नाइट का मतलब है द इवनिंग टाइम, ये लिख लीजिएगा आप लोग सभी, द लीड ऑफ नाइट इज मेंट बाय द इवनिंग टाइम, ठीक है. चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन है, हु इज रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, अगेन आंसर सिंपल है इसका, है ना, हु इज रेनिंग, देखिए रेन मतलब शासन करना होता है, एक आर ए आई एन रेन मतलब वर्षा होना होता है, यह है आर ई आई जी एन जिसमें कि जी साइलेंट रहता है, इसका मतलब होता है शासन करना, रूल करना, ठीक है ना, तो हु इज रूलिंग, कौन रूल कर रहा है, Who is ruling over the rich kingdom of sleep? नींद के साम्राज्य पर कौन शासन कर रहा है? The porter. बिल्कुल सही. The porter is reigning over the rich kingdom of sleep. बहुत बढ़िया. जी जी बहुत बढ़िया. दीक्षा ने बहुत बढ़िया बताया. दीक्षा चलिए. तो आंसर हो गया इसका कि क्या बताया मैंने आंसर कि the porter is reigning over the rich kingdom. Kingdom मतलब क्या होता है? Kingdom मतलब होता है साम्राज्य. जी शिवांगी ने भी बताया the sleeping porter. Sleeping जरूरी नहीं है, the porter बोली ना, the porter is reigning over the rich kingdom of sleep. Sleeping नहीं बताएंगे, sleeping जरूरी नहीं है यहाँ पर, the porter. जी लाली the porter. जी बिल्कुल. तो हम लोग समझ गए यहाँ तक, सब समझ में आ गया, सारा क्वेश्चन भी कर लिए हम लोग. आप लोग क्या करेंगे, इसका जो 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 आगे क्वेश्चन सब जो है कुछ क्या क्या है, तो सबसे पहले जैसे देखिए एंटोनिम्स लिखना है, ये पेज नंबर 132 में देखिए यहाँ पर है ना एंटोनिम्स, राइट एंटोनिम्स, ये बनाइएगा तो हम लोग बना के सबको भेजिएगा हमको, ठीक है. डर्टी, जैसे डर्टी का क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा. नेचुरल का क्या हो जाएगा, नेचुरल का आर्टिफिशियल हो जाएगा. नेचुरल मतलब प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक का उल्टा क्या हो जाएगा, कृत्रिम, मैन मेड भी कह सकते हैं या आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं. फार का क्या हो जाएगा, नियर हो जाएगा. डल का क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा. ऑनेस्ट का क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट हो जाएगा. करेक्ट का क्या हो जाएगा,
करेक्ट का क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। और हिल का क्या हो जाएगा, हिल का प्लेन हो जाएगा। हिल मतलब पहाड़ी, प्लेन मतलब क्या हो गया, समतल। तो इस तरह से आप सारा बना लीजिएगा, जहां कहीं दिक्कत होगा हमसे जरूर पूछिएगा सारे बच्चों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो में जुड़ने के लिए। आज भी क्लास ठीक ठाक रहा आज का लगता है हमको। सब बच्चे समझे ना, सारे बच्चे समझे आज जो पढ़े हम लोग शुरू से। आप लोग जिसका भी छूटा क्लास आप शुरू से क्लास कर सकते हैं जी। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू दीक्षा। चलिए सारे बच्चों थैंक यू बहुत सारा, आप लोग जुड़े जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं सब समझ गए ना बच्चों। हाँ चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपके बिना क्लास अधूरा है हम हमेशा बोलते हैं, आप लोग जरूर जुड़े। चलिए शिवांगी बहुत बढ़िया समझी, चलिए बहुत बढ़िया। एक्चुअली आप शिवांगी नहीं है, शिवांगी ही है ना, हम कन्फ्यूज हो रहे हैं। अच्छा चलिए चलिए जो भी हैं सारे बच्चे का एक बार हम नाम लेना चाहेंगे, कौन कौन जुड़े। जी आप लाली जुड़ी क्लास में, दीक्षा सिन्हा जुड़ी बहुत बहुत धन्यवाद। निम्मी क्लास से गायब हो गई हैं अचानक से, क्या बात है। सुहानी जुड़ी क्लास में, चलिए बहुत बढ़िया। तो इतने बच्चे जो जुड़े, शिवांगी जुड़ी बहुत बढ़िया। चलिए सब कोई थैंक यू बहुत सारा। आप लोग सारे बच्चों क्लास जरूर जुड़े, ठीक है। 8:15 से 8:30 के बीच एक बार चेकआउट कर ले आकर वीडियो, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन नहीं जाता है। यूट्यूब एक दिन में 3 ही नोटिफिकेशन भेजता है। सुबह से मेरा 3 क्लास हो चुका है, ये 4th क्लास है, और एक और शाम में जिसको स्पोकन इंग्लिश सीखने का हो ना, तो आप लोग शाम में 2:15 बजे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश का क्लास जिसको करना हो 2:15 बजे शाम में कर सकते हैं। और जो ग्रामर का क्लास करना चाहते हैं, कल पास्ट टेंस शुरू होगा ग्रामर में 5:15 से 5:20 तक। जैसे बोल रहे थे सूरज सर आपको, हम लोगों को सूरज सर बोल रहे थे कि हम जो है 5:15 बजे तक छोड़ देते हैं, 5:15-5:20 तक। तो जो ग्रामर का क्लास करना चाहते हैं सुबह आप लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। सुबह 5:15-5:20 तक, 5:30 तक भी जुड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्लास फिर भी आधा घंटा करिएगा, 6 तक होता है, ठीक है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल हम लोग जी। सबको एक बार फिर से बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। चलिए धन्यवाद।